बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव मोती गली चौमहल्ला पैलेस रोड हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कल पीर 25 अक्टूबर से तेलंगाना में शुरू होंगे इंटर फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स, तमाम तैयारियां मुकम्मल, 4,59,228 स्टूडेंट्स देंगे एग्जाम्स। हुजूराबाद बाय इलेक्शन की बढ़ी सरगर्मियां, हरीश राव ने अवामी जलसे में आवाम से कहा जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा करने वाली बीजेपी को क्यों दे वोट। केटीआर के इल्जामों के बाद रेवंत रेड्डी के बदले सुर, बीजेपी उम्मीदवार रिटेलर राजेंद्र पर की तनकीद, कहा आवामी मसाइल पर रिटेलर राजेंद्र ने नहीं दिया अपना इस्तीफा। कांग्रेस के फॉर्मर एमएलए एम शशिधर रेड्डी ने टीआरएस पर लगाया इंतकाबी कार्रवाई का इल्जाम, कहा कांग्रेस की मकबूलियत से खौफजदा होकर कांग्रेस लीडरों पर फर्जी केस दर्ज कर रही है टीआरएस। तेलंगाना के भैंसा टाउन में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद हालात हुए कशीदा, एससी तबके के लोगों ने सड़कों पर उतर कर किया वायलेंट प्रोटेस्ट, बसों और प्राइवेट गाड़ियों को पहुंचाया शदीद नुकसान। तेलंगाना में ड्रग्स के खिलाफ महकमे पुलिस की सरगर्मियां जारी, तारीखी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुनक्कद किया गया अवॉर्नेस प्रोग्राम, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने की शिरकत, मंशियात के खिलाफ संजीदगी से काम करने पर दिया जोर। तेलंगाना में कल पीर से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इसके अलावा इंटर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स का कल से आगाज होने वाला है। बता दें कि इस इम्तिहान में 4,59,228 स्टूडेंट्स शिरकत करेंगे। ये एग्जाम्स 3 नवम्बर तक जारी रहेंगे। खास बात यह भी है कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स को लेकर पेरेंट्स में बेचैनी पाई जा रही है कि उनके बच्चों ने सेकेंड ईयर के सिलेबस की पढ़ाई भी शुरू कर दी है और ऐसे में प्रमोट किए जाने के बावजूद स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर का एग्जाम्स देना पड़ रहा है। इसी तशवीश के साथ पेरेंट्स एसोसिएशन ने तेलंगाना हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए इन एग्जाम्स को कैंसिल करने की मांग भी की, ताहम हाई कोर्ट ने यह कहते हुए इन एग्जाम्स को कैंसिल करने का फैसला देने से इनकार कर दिया कि शिकायत करने में काफी देर हो चुकी है जबकि एग्जाम्स की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली जा चुकी हैं। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सवाल किया है कि अवाम जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा करने वाली बीजेपी हुकूमत को वोट क्यों दे। उन्होंने हुजूराबाद हलके के ज़मीनी इंतखाब के सिलसिले में मनचन्नापल्ली में मुनक्कदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों को हलाक करने की तारीख रखती है। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा करके किसानों और आम आदमी को परेशान कर रही है। जैसे जैसे तेलंगाना के हुजूराबाद बाय इलेक्शन की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजियां और इल्ज़ामों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। कल मिनिस्टर केटीआर की जानिब से तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी पर बीजेपी के सासबाज और खुफिया डील का इल्ज़ाम लगाए जाने के बाद आज रेवंत रेड्डी ने साबिक वजीर व हुजूराबाद के बीजेपी उम्मीदवार इटेला राजेंद्र पर तनकीद की है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इटेला राजेंद्र ने अवामी मसाइल पर असम्बली से अपना इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने करीमनगर जिले में मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर राव के ज़ेर क़यादत टीआरएस हुकूमत पर भी शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील में कांग्रेस पार्टी का ही अहम रोल रहा है। कांग्रेस के साबिक एमएलए एम शशिधर रेड्डी को नामपल्ली अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। शशिधर रेड्डी ने कहा कि अवामी मसाइल पर एहतजाजी मुजाहरे करने वाले अपोजिशन कायदीन पर हुक्मरान जमात टीआरएस की जानिब से इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, ताहम वक्फे वक्फे से टीआरएस की इंतकामी कार्रवाई को तेलंगाना की अदालतों में शिकस्त का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी इन दिनों कांग्रेस की मकबूलियत से खौफजदा होकर कांग्रेस कायदीन पर फर्जी मुकदमात यानी फेक केसेस दर्ज करवा रही है।
तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने कहा है कि टीआरएस के क्याम के 20 साल प्रोग्राम प्लेनरी को जश्न की तरह मनाया जाएगा। उन्होंने पार्टी के रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, साबिक मेयर जीएचएमसी राम मोहन और पार्टी के दिगर लीडरों के साथ हाईटेक्स में प्लेनरी के इंतजाम का जायजा लिया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाजह किया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क्यादत में पार्टी के 20 साल की तकमील फख्र का लम्हा है। टीआरएस एमएलसी के कविता ने दुबई में रिवायती त्यौहार बदकमा की तकरीब में शिरकत की। इस दौरान दुबई की मशहूर और मारूफ बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर सीएम केसीआर की तस्वीर की नुमाइश की गई। इस मौके पर के कविता के हमरा बोधन एमएलए आमिर शकील व दीगर भी मौजूद थे। इस नज़ारे का लाखों अफराद ने लुत्फ लिया और जय तेलंगाना के पुरजोर नारे लगाए। तेलंगाना के ज़िला निर्मल के भैंसा टाउन में हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्मे को शरपसंद अनासिर की जानिब से नुकसान पहुंचाया गया। जंगल की आग की तरह पूरे टाउन में ये खबर फैल गई, जिसके बाद एससी समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। उन्होंने भीमराव अम्बेडकर के मुजस्मे को नुकसान पहुँचाए जाने की सख्त अल्फाज में न सिर्फ मजम्मत की बल्कि पुरतशद्दुद एहतजाज करते हुए सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। मुश्तहिल एहतजाजियों के गुस्से का आरटीसी की कई बसों के बिशमूल कई फ्रूट के ठेले भी शिकार हो गए। पुलिस इस मौके पर एहतजाजियों को समझाने के अलावा वायलेंस करने वाले एहतजाजियों की वीडियो रिकॉर्डिंग करती भी नजर आई। हमने अंबेडकर पुतला का स्टैचू को एक पर्सन ने डैमेज किया। इन्फॉर्मेशन आते ही पुलिस ने प्रॉम्प्टली एक्शन लेते हैं, उस पुलिस को हमने गिरफ्तार किया। मैं सभी लोगों से, भैंसा के लोगों से गुजारिश करता हूं कि सभी लोग पुलिस को कोऑपरेट करें और पुलिस पे विश्वास रखें। इस जो एक्यूज पर्सन है उसको हमने ऑलरेडी अरेस्ट किया और इसके पीछे जो भी लोग होंगे उन पर पुलिस की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। जो भी एक्यूज पर्सन है उसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंडर, पीडी एक्ट के अंडर उसको हम अंदर डालेंगे और इसके आगे भैंसा में उसको एंट्री करने की परमिशन हम बिल्कुल नहीं देंगे। साथ में अभी जो यहाँ पे भैंसा स्टैचू के सामने, अंबेडकर स्टैचू के सामने जो इश्यू चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से एक पीसफुल तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट पुलिस की तरफ से पूरा अंडर कंट्रोल है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी डैमेज या स्टोन बिल्डिंग नहीं चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग किसी भी रूमर्स पर विश्वास ना रखें, स्पेसिफिकली जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप में किसी भी तरह का भैंसा की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कोई रूमर्स या एंटी सोशल मैसेजेस वायरल ना करें। कोई भी यदि अंबेडकर स्टैचू के डैमेज फोटोज़ या कोई भी डैमेज आरटीसी बसेस का फोटोज़ या कोई भी किसी तरह का वायलेंस का फोटोज़ डालते हैं तो उनको पुलिस की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। मैं सभी व्हाट्सएप एडमिन को बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग जो भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप होगा उस व्हाट्सएप ग्रुप की सेटिंग आप प्राइवेट करिए। प्राइवेट मतलब वहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप एडमिन कैन सेंड द मैसेज, ये ग्रुप की सेटिंग होनी चाहिए। यदि कोई उस व्हाट्सएप में किसी भी तरह के रूमर्स या कोई भी एंटी सोशल मैसेज वायरल करता है तो उस पर जो मैसेज वायरल कर रहा है वो सेंडर और साथ में जो व्हाट्सएप का एडमिन है, ऐसे दोनों लोगों पर पुलिस की तरफ से स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। और फिर से एक बार मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सभी लोग पुलिस को कोऑपरेट करें और जो भी
आदिलाबाद के बालिक मंदिर उर्दू हाई स्कूल में ओपन स्कूल स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर हूर बानो की सदारत में तलबा व तालिबात में ओपन स्कूल एससी व इंटरमीडिएट की किताबों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर बहसियत मेहमान खसूसी अशोक सर जिला कोऑर्डिनेटर ओपन स्कूल ने शिरकत की और तलबा व तालिबात से खिताब करते हुए ओपन स्कूल के फवायद से वाकिफ करवाया। इस मौके पर तलबा में किताबें भी तकसीम की गई। हूर बानो ने अपने खिताब में मौजूदा हालात में तालीम की अहमियत व ज़रूरत पर खिताब फरमाया। आदिलाबाद में पहली मरतबा बालक मंदिर उर्दू हाई स्कूल में ओपन स्कूल के सेंटर की मंजूरी अमल में लाई गई है। यहाँ पर तजुर्बेकार और बासलाहियत असातिज़ा की खदमात हासिल रहेगी। इस मौके पर अब्दुल जलील सर ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए जबकि मुकीम जानी सर ने कलमात तशक्कुर अदा किए। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर नसीम शरीफ असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर उरूसा निखत मनोहर सर और दीगर मौजूद थे। चक्ने अवकाशा कल इंतजार चीर सर लक्ष्य कोसम चीर गम्य चेर कोसम चीर लक्ष्यमेंटे पदव तरगति पास काव इंटरमीडियट पास काव तदन हायर एजुकेशन का लेदा यदा उद्योग उपाधि कोसम सर्टिफिकेट तोडपड़ी मैडम का सार गई खचिता दीन वल सर्टिफिकेट वाला लाभ जो तो आप लोगों का खैर मकदम है आज से। और ओपन स्कूल सेंटर में जो भी एडमिशन लेते हैं सबसे पहले अपने दिमागों से ये गलत फहमी निकाल लीजिए कि ओपन का मतलब ओपन नहीं है, यानी बुक्स ओपन करके लिखना मतलब नहीं है। ओपन का मतलब ये है कि ओपन स्कूल में एडमिशन लेने पर हमें तमाम तालिबे इल्म जो ड्राप आउट एक ज़माने में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तक ही तालीम हासिल करने के बाद ड्राप आउट में शुमार हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? फाइनेंशियली हो सकता है, इकनॉमिकली बैकग्राउंड भी हो सकता, या फिर घर का सोशल स्टेटस की वजह से हो सकता। तो आप लोगों को मजबूरी की हालत में काम करने बाहर निकलना पड़ता है घर के हालात सुधारने के लिए, या फिर घर की जिम्मेदारी पूरी आप लोगों के ऊपर आने की वजह से। और गर्ल्स को जो है घर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहने की वजह से भी वो लोग आगे अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते। तो ऐसी सूरत में ओपन स्कूल एक अच्छा सिस्टम है जिसमें ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स रहने दो, जो पढ़ने के ख्वाहिश रखते हैं आगे बढ़ने के लिए उनको एक अच्छा चांस है। ओपन स्कूलिंग सिस्टम जो है सब पढ़ें सब बढ़ें, ये जो स्लोगन है अपना इंडिया का, उसके लिए बराबर सूटेबल है। सब पढ़ें सब पढ़ें, यानी सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट ही स्कूल आना और ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स या कोई रीज़न से जो तालीम जारी नहीं रख सके वैसे लोगों के लिए कोई चांस नहीं है कि बात नहीं है, आप लोग भी उनके भी बराबर शुमार हो जाते हैं। तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद में एसआईओ आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम जलसे सीरतुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तकसीम इनामात प्रोग्राम का कामयाब इनकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में मौलाना जावेद बेग उमरी के अलावा एसआईओ तेलंगाना के रियासती सदर डॉक्टर तलहा फयाजुद्दीन ने बहसियत मेहमान खसूसी शिरकत की और इजलास से मुखातिब किया, जबकि मुकामी एसआईओ सदर अब्दुल अलीम, पीआर सेक्रेटरी डॉक्टर जुबैर आलम के अलावा मेम्बरान सैयद कदीर, मोहम्मद शुएब, इंकिसार आलम और दीगर नौजवानों ने मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया और इंतजामात को कतियत दी। इस मौके पर सीरतुलनबी को इस मुकाबले में कामयाब तलबा में इनामात तकसीम किए गए, जबकि इस मौके पर मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए मौलाना जावेद बेग उमरी और डॉक्टर तलहा फयाजुद्दीन ने सीरतुलनबी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और मौजूदा हालात में नौजवानों को एसआईओ से जुड़कर जिम्मेदारी के एहसास के साथ दावत दीन की इशाअत के लिए हर मैदान में खिदमत अंजाम देने का मशवरा दिया। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद के नाज़िम ज़िला तनवीर अहमद, मुकामी अमीर अब्दुल जलील और दीगर जिम्मेदारान के अलावा तलबा की कसीर तादाद मौजूद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस करने से पहले तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन नहीं था और जो भी डायरेक्शन था वो खुली हुई गुमराही का डायरेक्शन था, जिसकी वजह से माशरे में फसाद बरपा हुआ था। ये सूरत हाल आज भी हम माशरे के अंदर देखते हैं कि आज भी लोगों के हुकूक हड़प लिए जाते हैं,
आज भी औरत को कोई मकाम देने के लिए माशरा आगे बढ़ता नहीं है। आज भी लोगों का कत्ल किया जाता है और उसके बाद उनके नाशों पर नाचा जाता है और वीडियो बनाई जाती है। ये आज के हमारे समाज की सूरत हाल है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं इंसानों में खबरू रफी दलाले को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के आने से पहले तुम्हारी ये सूरत हाल थी। जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि लकद मन्नल्लाह अला मुमिनीन, अल्लाह ताला का बेपाया एहसान है, उस एहसान के बदले में जो इंखिलाब बरपा होता है, हम देखते हैं यतीमों की सरपरस्ती करने के लिए लोग एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं, सबकत कर रहे हैं कि हम यतीमों की सरपरस्ती करें, उनको सपोर्ट करें, उनकी परवरिश की तरह हम कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करें। हम देखते हैं कि उस इंखिलाब के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नेमत अल्लाह ताला जब बता सकता है, तो औरत पैदा होने के बाद में लोग खुशी मना रहे हैं, लोग शौक के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं क्या एक भी अगर लड़की है, अगर दो भी लड़के हैं तो क्या उनको जन्नत के अंदर अल्लाह ताला मकाम मिलेगा। यानी अब बच्चा पैदा होने पर जो मायूसी पहले तारी होती थी अब वो खुशी के अंदर तब्दील हो गई है। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन आदिलाबाद यूनिट की जानिब से मुनक़दा 14 रोज़ा नहीं अनिल मुनकर मुहिम का अख्तिताम हुआ। इस मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक व तर्जुमानी से हुआ। तेलंगाना लेवल पर मुनक़दा क्विज़ मुकाबलों में इनामात भी दिए गए। यूनिट प्रेसिडेंट GIO ने अख्तितामी खिताब में GIO का तारुफ़ पेश किया। सेक्रेटरी शम्स आरा ने मुहिम की कारकर्दगी बयान की। दुआ के बाद प्रोग्राम का अख्तिताम अमल में आया। ब्रिटेन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। कारवान हल्का असम्बली के मजलिस के MLA कौसर मोहीउद्दीन से मोहम्मद फारूक की क़ियादत में ज़ियागुड़ा की तंजीम डॉक्टर BR अम्बेडकर वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट प्रवीण के हमरा एक वफद ने मुलाकात की और इलाक़ाई मसाइल से मुतालिक याददाश्त उनके हवाले किए। कौसर मोहीउद्दीन ने मसाइल व दिगर से मुतालिक जल्द यकसोई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर तंजीम के दिगर जिम्मेदारान आसिफ शंकर बालू के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। खुदबुलापुर रोड़ा मिस्त्री नगर में आज राजेंद्र नगर MIM इंचार्ज रहमत बेग ने पैदल दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। पैदल दौरे के दौरान उन्होंने गली कूचों में वाक़ कचरे की निकासी के मसले पर जोर दिया, तो वहीं मुकामी अफराद से उनके मसाइल भी जाने और उन्हें फौरी हल कराने का तयक़ुन भी दिया। मुकामी आवाम ने उन्हें पीने के पानी, स्ट्रीट लाइट की अदम मौजूदगी के मसले से वाकिफ़ करवाया था। रोड़ा मिस्त्री नगर में काफ़ी आवाम को तकलीफ़ है क्योंकि यहाँ रोड सही नहीं है, पानी की सरबराही सही नहीं है, पानी में पोल्यूशन है और कई सारे यहाँ के काम है जो कि आवाम को सहूलत नहीं पहुँच रही है। और इस ताल्लुक़ से सदर मोहतरम के तारुसलम में मिले और सदर मोहतरम ने जब भी मुझे बुलाकर बोले कि आप जाइए वहाँ पर फील्ड के ऊपर जाकर वहाँ के कंप्लेंट क्या है बल्दी बर्फी आप आसानी के नोट कर कर लाइए और मेरे लेटर के ऊपर टाइप कराकर बल्दी कमिश्नर लोकेश कुमार हो या वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर साहब हो उनको लेटर देकर ये काम जल्द से जल्द करवाइए बोले। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा इंसानी बुनियादों के ऊपर काम करती है, ये नहीं कि किसी की सूरत देकर काम करना या किसी को कुछ बोल कर खुश करके चले आना, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम नहीं है। प्रैक्टिकल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है। आप देखिए अभी हमारे रशीद भाई नाना बता रहे थे कि एक ही कॉर्पोरेटर 3 बार से जीते हुआ आ रहा, इलेक्शन के टाइम पर आते हैं यहाँ पर अपना वोट लेकर चले जाते हैं, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में एक ऐसी जमात है हमेशा 24 घंटे आवाम के दरमियान में रहती है। आप देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 44 कॉर्पोरेटर से उनका फेसबुक
या व्हाट्सएप पे आप रिकॉर्ड देखिए, 24 घंटे आवाम के दरमियान में एरिए में रहते हैं। शेख शहाबुद्दीन शहीद तुर्की रहमतुल्लाह अलैह शेख कपूर के 671वें और शरीफ की तकारीब पूरे तजक व एहतशाम से मनाई गई, जाने की तफसील इस रिपोर्ट में। शेख शहाबुद्दीन शहीद तुर्की रहमतुल्लाह अलैह शेखापुर के 671वें उर्स शरीफ के मौके पर ज़हीराबाद कुलहिंद मस्जिद तादुल मुस्लिमीन के सदर मोहम्मद अतहर अहमद अपनी जमात के हमरा मज़ार पर चादर गुल पेश की और दुरूद सलाम का नजराना भी पेश किया। उन्होंने मजलिस की कामयाबी, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, कायदे मुकर्रर अकबरुद्दीन अवैसी की सेहत और उनकी कामयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर शरीक मोहतमद मुहिद्दीन गौरी शेखापुर के मजलिसी सदर मोहम्मद शाकिर, मुख्तलिफ वार्डों के सुदूर जमात के कायदीन कारकुनान की कसीर तदाद मौजूद थी। दूसरी जानिब ज़हीराबाद रुकन असम्बली कोनेंटी मानिक राव ने बसद खलूस और एहतराम के साथ उर्स शरीफ में शिरकत की और मुसलसिल 3 घंटों तक कव्वालियों से इंबसात हासिल किया। उस वक्त सदर TRS पार्टी ज़हीराबाद टाउन सैयद मुहिद्दीन, साबिक रुकन बल्दिया मोहम्मद यूनुस व दीगर उनके साथ मौजूद थे। साबिक रियासती वजीर और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की कारगुजार सदर डॉक्टर जे गीता रेड्डी ने भी दरगाह शरीफ पर चादर गुल पेश करके अपनी अकीदत का इजहार किया। इस मौके पर उनके हमरा साबिक कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद मुइजुद्दीन नरसिमलू व दीगर मौजूद थे। जुमे की शाम से ही उर्स शरीफ की तकारीब का आगाज़ हुआ था। संदल माली पटेल और पुलिस पटेल के घर से बरामद हुआ। हफ्ते की शाम संदल खैरताबाद हैदराबाद से शेखापुर के नौजवानों की जानिब से निकाला गया। 3 दिन तक हर खास आम के लिए लंगर और ताम का भी नज्म किया गया। अजीम नाजा कव्वाल ग्रुप मुंबई और जुनेद सुल्तानी कव्वाल ग्रुप दिल्ली के दरमियान कव्वाली का ज़बरदस्त मुजाहरा मुनक़िद हुआ, जिसमें उमदा मुजाहरा पेश करके जुनेद सुल्तानी दिल्ली ने फतेह हासिल की। मुतवल्ली दरगाह शरीफ ममदूह मोहम्मद ख्वाजा मियाँ शेख इमाम पटेल दरगाह कमेटी सदर ने इंतजाम में हिस्सा लिया। निर्धन को धनवान बना दे या अल्लाह, निर्धन को धनवान बना दे या अल्लाह, वहशी को इंसान बना दे या अल्लाह, वहशी को इंसान बना दे या अल्लाह। ये हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन वॉलंटियर्स एसोसिएशन की जानिब से आज एरागड्डा चेस्ट हॉस्पिटल के मरीजों के दरमियान खाना और फल तकसीम किए गए। इस मौके पर एसोसिएशन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी नईमुर रहमान, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट मिर्ज़ा जवाद बेग समेत दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन वॉलंटियर एसोसिएशन की तरफ से आज चेस्ट हॉस्पिटल एरागड्डा फूड डिस्ट्रीब्यूशन था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से मैं ऑल वॉलंटियर्स का और ह्यूमन राइट्स का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह की मदद से यहाँ पे जो मुस्तहिक थे, जो ज़रूरतमंद थे, उन तक फूड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अल्लाह इस काम को कबूल फरमा ले। तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया गया यहाँ पर चेस्ट हॉस्पिटल एर्रागड्डा में। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन वॉलंटियर एसोसिएशन की तरफ से मैं मोहम्मद अब्दुल फायद, तेलंगाना स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पर जो प्रोग्राम किया गया है अभी तो जो है ना ये कामयाब तो हो गया है, और दूसरे नौजवान साथियों को भी मैं जो है ना कह रहा हूँ कि जो है ना तहे दिल से कि जो है ना इसमें जो है ना ताउन करिए, ताउन करके जो है ना इनकी ज़रूरत पूरी करिए। और यहाँ पर आसपास में भी जो है ना हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि जो है ना खाने के जो है ना बहुत यहाँ पर वांदे है, जो कि पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं यहाँ पर जो है ना बैठे हैं, बैठ के जो है ना बस खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम करा गया है, किया गया है यहाँ पर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुका है, और कई सारे ऐसे जो है ना अटेंडेंस यहाँ पर मौजूद है जिसको जो है ना खाने की सख्त भी सख्त ज़रूरत है। आइंदा से जब भी हम जो है ना यहाँ पर ताउन का काम करेंगे, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे, आप लोगों से भी मैं जो है ना गुजारिश करता हूँ कि जो है ना इसमें जो है ना ताउन करिए, ताकि जो है ना हर किसी को हम जो है ना खाना खिला सके। माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर कासमी की ज़ेर निगरानी में निज़ामाबाद के ओल्ड एज होम चिंतागुंटा में फ्रूट तकसीम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आम किया जाए और बेरोज़गार और यतीमों व मस्कीनों की मदद की जाए। फ्रूट तकसीम करने पर ओल्ड एज होम के बानी ने शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग मोसरा चिंतागुंटा छोटा सा एक कस्बा, एक गाँव है,
वहाँ पर एक ओल्ड एज होम है, यहाँ पर बहुत सारे सही बूढ़े लोग रह रहे हैं। आज हम मिल रहे हैं क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का महीना है, रबीउल अव्वल का, इसी मुनासिबत से कि अल्लाह के नबी का जो पैगाम है कि बेदसों की मदद की जाए, गरीबों का, तंग दस्तों का, मोहताजों का, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखा जाए, इसी नस्बत के तहत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए। हमारे साथ ये अहबाब भी माशाल्लाह हमारा बहुत ताउन किए, अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग और ख़वातीन जिनसे भी हम मुलाकात किए, उन लोगों ने हमारा तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हमारे लिए बहुत दुआएं दी, और उन्होंने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की आमद का बहुत अच्छा पैगाम, और उन लोगों ने भी खुशी और मसर्रत का इजहार किया। तेलंगाना के ज़िला कामारेड्डी के म्यूनसिपल चेयरमैन जंगम गंगाधर और ज़िला रईतु बंधु के सदर अंजीर रेड्डी ने कामारेड्डी ज़िले के बांसवाड़ा में के जयशंकर मिनी स्टेडियम में फ्री बैडमिंटन ट्रेनिंग क्लासेस का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि 14 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों को बैडमिंटन की मुफ्त तरबियत दी जाएगी। క్రీడల్ని బాన్సాడా పట్టణంలో ఇంత మంచి స్టేడియం మనకు దొరకడం, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్రీడాకారులకు చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి విషయం, దాన్ని అందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఈ క్రీడల్ని ఇది ఒక్కటే కాకుండా మరి అనేకమైనటువంటి క్రీడల్లో ఇలా ఆడుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. కబడ్డీ కానీ, వాలీబాల్ కానీ, టెన్నిస్ కానీ, మరి ఇవన్నీ కూడా మనం ఇవన్నీ కూడా ఆడుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు, మంచి సదుపాయాలు కల్పించినటువంటి గౌరవ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి, గౌరవనీయులు ఎన్డీసీసీ బ్యాంక్ అధ్యక్షులు భాస్కర్ రెడ్డి గారు, మరి ఇవన్నీ అవన్నీ సదుపాయాలు కల్పిస్తూ వారికి ఉత్సాహపరచడానికి కొరకు మరికి వాళ్ళకు అనేకమైనటువంటి వాళ్ళు ఆర్థిక సాయం కూడా చేసి మరి ముందుస్తున్నటువంటి సందర్భం కూడా మేము వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతా ఉన్నాం. దీన్ని మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మేనేజర్ నరేష్ గారు మరి ఇంకా ముందుకు తీసుకుపోయి మరి ఆయన ఇంకా కృషి చేసి మంచి నైపుణ్యమైనటువంటి క్రీడాకారులను తయారు చేయవలసిందిగా వారికి కోరుతా ఉన్నాను. हिंदुस्तान की सबसे कदीम प्रोडक्ट्स में से एक जिंदा तिलिस्मात ने आवाम के लिए अपना नया प्रोडक्ट जिंदा तिलिस्मात बॉम्ब लॉन्च किया है, जबकि इस बॉम्ब की ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा को बनाया गया है। कारखाना जिंदा तिलिस्मात ने अपनी एक सदी मुकम्मल करने के मौके पर नया प्रोडक्ट जिंदा तिलिस्मात बॉम्ब लॉन्च किया। इंटरनेशनल टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को जिंदा तिलिस्मात बॉम्ब की ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया। सानिया मिर्जा ने दुबई से अपने वर्चुअल पैगाम में जिंदा तिलिस्मात फैमिली को एक नए प्रोडक्ट की पेशकशी के लिए मुबारकबाद देते हुए इंकशाफ किया कि वो बचपन ही से इसका इस्तेमाल करती रहीं और इनके अरकान ख़ानदान भी इसे इस्तेमाल करते हैं। सानिया मिर्जा ने यकीन जाहिर किया कि यह बाम भी बहुत तेज़ी से अवाम में मकबूल होगा। मसीुद्दीन फारूकी मैनेजिंग पार्टनर ने जिंदा तिलिस्मात बाम की पेशकशी की। हाईटेक सिटी में होटल वेस्ट इन में कारखाना जिंदा तिलिस्मात के पार्टनर्स सोहेलुद्दीन फारूकी, इमादुद्दीन फारूकी ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए जिंदा तिलिस्मात बाम से मुतालिक तफसीलात बताईं। एक टाइम तो दर्द होने वाला है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा बाम आपको इस तकलीफ से दूर करे इंशाल्लाह। आई हैव ट्राइड द प्रोडक्ट और जो मेरे को दिए टीवीसी के देने, इट इज अ ग्रेट ग्रेट बाम। थैंक यू हैदराबाद की तारीखी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया। इस मुहिम में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने भी शिरकत की। महकमा पुलिस ने मंशियात की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम शुरू कर दिए हैं। इस खसूस में नौजवानों में बेदारी पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोग्राम मुनक़द किए जा रहे हैं। कॉलेजों और स्कूलों में मंशियात के बुरे असरात के खिलाफ पुलिस की जानिब से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में तलबा के साथ मंशियात बेदारी वॉक का अहतमाम किया गया। वॉक के दौरान मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ हाथों में मुख्तलिफ नारों वाले प्ले कार्ड थामे तलबा ने इस खराब आदत के सबब होने वाले नुकसान से वाकिफ करवाया। इस मौके पर अंजनी कुमार ने कहा कि इस सिलसिले में हमें संजीदगी से काम लेते हुए मंशियात के इंसदाद की कोशिश करनी होगी। MLA स्कॉलरू वेंकटेश सुभाष रेड्डी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर रविंदर ने इस मुहिम में शिरकत करते हुए स्टूडेंट्स में शौर बेदार किया, तो वहीं कई स्टूडेंट्स ने एक रैप सॉन्ग के जरिए मंशियात के इस्तेमाल से मना किया। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ऑनरेबल MLA गारू,
కాలేరు వెంకటేష్ గారు, ఎమ్మెల్యే అంబర్పేట్, ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే సుభాష్ రెడ్డి గారు, ఉప్పల్ ఎమ్మెల్యే గారు, ఆనరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, ప్రొఫెసర్ రవీందర్ గారు, అందర్ డిగ్నిటరీస్, ఈరోజు ఈ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ లో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కి చాలా ఇంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. యంగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, మీరు మన స్టేట్ కి ఫ్యూచర్ ఉన్నారు. మీరు ఏం చూస్తున్నారు, ఒక మీరు ఏం చేస్తున్నారు అందరు చూసిన తర్వాత మీకు ఫాలో చేస్తారు. యు షుడ్ బి ఎ రోల్ మోడల్. ఇంతకు ముందు కూడా అన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ లో కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ చాలా హిస్టారికల్ ఉంది. తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మేషన్ టైంలో కూడా మీ అందరు చాలా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. సో ఈ డ్రగ్స్ ఇష్యూ గురించి ఇప్పుడే ఎమ్మెల్యే గారు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. బాంబేలో, ఢిల్లీలో ఇది చాలా ఎక్కువ ఉంది ప్రాబ్లం. ఈ కంపారిజన్ లో హైదరాబాద్ లో ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం లేవు, బట్ మనకి అలర్ట్నెస్ ఉండాలి. ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ అలర్ట్, గ్రాడ్యువల్లీ స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే వీ విల్ హెడ్ టువర్డ్స్ దట్ డైరెక్షన్. تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں گانجے کی کاشت کرنے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس نے ان کے قبضے سے گانجے کے پودے اور 3 موٹر بائک بھی ضبط کر لے. ڈی ایس پی رتنپورم پرکاش نے میڈیا کے سامنے دونوں افراد کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ ضلع ایس پی جگتیال سندھو شرما کی ہدایت پر جگتیال پولیس کی خصوصی ٹیموں نے بٹ بازار علاقے سے تعلق رکھنے والے سائی کمار اور آصف آباد ضلع کے لنگاپور گاؤں سے تعلق رکھنے والے چندو کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے پاس سے گانجے کے پودے, موٹر بائک ضبط کر لیے اور انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا گیا. اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر. کل پیر 25 اکتوبر سے تلنگانہ میں شروع ہوں گے انٹر فرسٹ ایئر کے ایگزامس. تمام تیاریاں مکمل. 4,59,228 اسٹوڈنٹس دیں گے ایگزامس. حضور آباد بائی الیکشن کی بڑھی سرگرمیاں. ہریش راؤ نے عوامی جلسے میں عوام سے کہا ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کرنے والی بی جے پی کو کیوں دے ووٹ. کے ٹی آر کے الزاموں کے بعد ریونت ریڈی کے بدلے سور. بی جے پی امیدوار ریٹیلر راجندر پر کی تنقید. کہا عوامی مسائل پر ریٹیلر راجندر نے نہیں دیا اپنا استعفی. کانگریس کے فارمر ایم ایل اے ایم ششیدھر ریڈی نے ٹی آر ایس پر لگایا انتخابی کاروائی کا الزام. کہا کانگریس کی مقبولیت سے خوف زدہ ہو کر کانگریس لیڈروں پر فرضی کیس درج کر رہی ہے ٹی آر ایس. تلنگانہ کے بھینسا ٹاؤن میں بھیم راؤ امبیڈکر کی مورتی کو نقصان پہنچانے کے بعد حالات ہوئے کشیدہ. ایس سی طبقے کے لوگوں نے سڑکوں پر اتر کر کیا وائلنٹ پروٹیسٹ. بسوں اور پرائیویٹ گاڑیوں کو پہنچایا شدید نقصان. تلنگانہ میں ڈرگز کے خلاف محکمہ پولیس کی سرگرمیاں جاری. تاریخی عثمانیہ یونیورسٹی میں منعقد کیا گیا اوارڈنیس پروگرام. حیدرآباد پولیس کمشنر انجنی کمار نے کی شرکت. منشیات کے خلاف سنجیدگی سے کام کرنے پر دیا زور. بی بی این نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں. یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر لائک ضرور کریں. مزید اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے بی بی این چینل.